आया, बहुत गहरा होता है इसका, बड़ा घनेरा होता है साया, लेकिन ये अपने नीचे किसी पौधे को पनपने नहीं देते। कोई पौधा बरगद के दरख्त के नीचे नहीं पनप पाता। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं। इसके अलावा एक हमारा समाजी रवैया जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, और वह समाजी रवैया ये है कि अगर एक बच्चा किसी बड़े घर में पैदा हो जाए तो बस होता यह है कि लोग उसको कंपेयर करने लगते हैं कि इनके वालिद तो ऐसे थे, इनके वालिद का तो ये कमाल था, इनके वालिद का कमाल तो ये था, और ये भूल जाते हैं कि उस वालिद की 50 साल की रियासत थी, 50 साल की स्टैंडिंग थी। तो जहां तक अली रिज़वी एक लिहाज से खुशकिस्मत है कि वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए कि जहां सच्चे भाई जैसा लेजेंड था, मौजूद था, जिसने नौखानी और आजादारी को अपनी गोद में पाला, और मैं समझता हूं कि न सिर्फ पाला बल्कि जवान किया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज जहां हम इस आजादारी को कराची में या पूरी दुनिया में देख रहे हैं, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब अली रिज़वी सच्चे भाई के घर में पैदा हुए होंगे तो अजान के बाद जो आवाज आई होगी वो हुई कि अमीर लश्कर हुसैन, अमीर लश्कर हुसैन। और जिस तरफ मैंने इशारा भी किया कि जहां इस बड़े घर में पैदा होने के फायदे होते हैं, वहां बड़ा नुकसान भी होता है कि लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि है तो सच्चे भाई का बेटा लेकिन बात नजर नहीं आया, अब वो बात भूल जाते हैं। लेकिन अली रिज़वी को मैंने अभी YouTube पे सुना, बाखुदा सच्चे भाई का अपना मुकाम था, हम सब मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत की वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अली रिज़वी ने भी अपना वो मुकाम बनाया है कि उसने सच्चे भाई के काम को आगे बढ़ाया। मैं दिल की गहराइयों से मुल्तमिस हूँ अली रिज़वी से, तशरीफ लाएं और आपके दुरूद से, अपने दुरूदों से इनका इस्तकबाल कीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलाम। वर मोहम्मद वाले
रिकॉर्ड बड़े मोहम्मद अल्लाह